तो अब इस बार तो मैंने आपकी... सिर्फ मैंने इमरान खान को दिया था वो। अच्छा मुझे पसंद है इमरान खान, ठीक है यार वो एजुकेटेड है। हाँ। उसको पता है कि मतलब कैसे बात करनी है, और ठीक है थोड़ी सी हमारे मुल्क के हालात खराब है, वो उसकी रीजन वो नहीं है। अब कोरोना है ये सब चीजें उनकी वजह से तो नहीं आया ना, बिल्कुल। तो काफी लोग उनको ब्लेम करते हैं, बट मैं कहती हूँ ठीक है बस कर दे साहब, होने रहा Welcome back to Muzakarat. Suzanne, ये बताएं, आपने एक्टिंग भी शुरू कर दी हुई है। हाँ। तो क्या आपको फिल्मों का भी है शौक? हाँ, अभी मैंने एक मूवी साइन की, बट मैं उसको अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहती। अच्छा। तो अभी साइन की अभी शूटिंग इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी आफ्टर वन मंथ। ठीक। और सर आपको है कोई फिल्में देखने का शौक? मैंने सारी जिंदगी कभी मूवी नहीं देखी। हाँ। मैंने अपनी जिंदगी में एफर्ट किया है, काम किया है, तो ऐसे कोई लगी हुई मूवी देख ली हो तो वो एक अलहदा बात है। सफर करते सारी जिंदगी ना मूवी खरीदी है, ना किस्टें खरीदी हैं, ना गाना सुना है स्पेशली, कुछ नहीं किया। वैसे गाड़ी में गाना लगा हुआ है तो सुन लिया। एहसान भाई, सुजैन की फिल्म आएगी तो वो भी नहीं देखेंगे आप? नहीं, सुजैन की तो फिल्म जब बन रही होगी इंशाल्लाह मैं वहां भी कोशिश करूंगा। मुझे दावत देंगे। अच्छा, यानी कि आप शूटिंग में देखना चाहेंगे सुजैन की? हां, सुजैन। और वैसे आपके ख्याल में सुजैन के साथ हीरो किसको होना चाहिए? सुजैन ही बेहतर जानती हैं। नहीं, वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है कौन सूट करेगा मेरे साथ फिल्म ते? पैसे तुसी लाओ, आप ही हीरो आओ। मैं तो ना इधरों ही ला जाने हैं फड़ के, बहुत माशाल्लाह कितना प्यारा हीरो बैठा है। नहीं नहीं, ये हीरो इधर से। हां हां, इसके साथ तर्कश हीरों के नाल काम नहीं करना चाहते ना। इतनी बुरी हूं मैं? आपको जो पसंद है फिर मेरे कान में बता दे, मैं ओपन कर देता हूं। नहीं, मैं सबके सामने बोल देती हूं। हां, बताएं किसके साथ करना चाहती हैं? फवाद खान। अच्छा, फवाद खान। सर फवाद खान का आपको अंदाजा है? इतना ज्यादा नहीं है। सुना सर, फवाद चौधरी का पता है जी। हां जी, बिल्कुल। इस तरह की तुसी गल्ला कर, इलेक्शन दा पता दरवाजा की बणया? 6000 वोट तो हार गए जी यार। 6000? तुम तो ना अजीब एक डिप्रेसिंग किस्म की पिक्चर पोर्ट्रेट करते हो। मैं यहां पे किधर लेके जा रहा हूं बात को? सुजैन ये बताएं, वोट कास्ट करती हैं? मैंने वोट मैंने कभी भी नहीं दिया किसी तो को, लेकिन तो मैंने आपकी... सिर्फ मैंने इमरान खान को दिया था वो। अच्छा, मुझे पसंद है इमरान खान। ठीक है यार, वो एजुकेटेड है। हाँ। उसको पता है कि मतलब कैसे बात करनी है, और ठीक है थोड़ी सी हमारे मुल्क के हालात खराब है, वो उसकी रीजन वो नहीं है। अब कोरोना है ये सब चीजें उनकी वजह से तो नहीं आया ना, बिल्कुल। तो काफी लोग उनको ब्लेम करते हैं, बट मैं कहती हूँ ठीक है बस कर दे साहब, होने रहा अब बताए कुछ कहना चाहेंगे आप? और देखो जी, ख्वाहिशात तो कंट्रोल नहीं हो सकता ना, वो कहती मैं अच्छा लगता तो उन्हें अच्छा लगता। सुजैन ने चाहे कहा कि उनको इमरान खान पसंद है, लेकिन एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग हुई थी कि आपकी सालगिरह हुई थी और आप शेर लाई थी। हाँ, मेरी बर्थडे हुई थी उस पे शेर आया था। आपकी बर्थडे हुई उस पे शेर, नून लीग वाला या असली वाला? असली वाला शेर। शेर क्या मतलब? चलता हुआ शेर आ गया। कौन लेके आया था? कौन लेके आया था बताएं? मेरी बर्थडे हुई थी, ठीक है, काफी हाईलाइट हुआ, इवन के इंडिया में भी। आपकी सालगिरह इंडिया तक पहुंच गई? एक्चुअली इंडियंस ने ना बहुत ज्यादा इस चीज को हाईलाइट किया कि आपने अपने बर्थडे पे शेर को क्यों बुलाया और आपने एनिमल अब्यूज किया। हाँ। मैंने नहीं बुलाया था शेर को, मेरा एक फ्रेंड था, उसका आगे से फ्रेंड था, वो सिर्फ 10 मिनट के लिए शेर को लेकर आया। वो उसका लाइक वो उसका पेट है। इंडियन न्यूज चैनल पे इतना चला, हर जगह पे मुझे मतलब मुझे लोगों ने अटैक किया। आपने जो भी लाए थे साहब उनको कहा कि भाई तुम क्यों ले आए बेचारे पेट? मैंने उसको बोला, वो सिर्फ 10 मिनट के लिए आया, बल्कि मैं मुझे डर भी लग रहा था। मैंने उसके साथ एक छोटी सी वीडियो बनाई जो कि वो वीडियो बहुत वायरल हो गई। 10 मिनट के बाद मैंने कहा आप इसको ले जाओ, क्योंकि ऑब्वियसली लोग डर रहे थे, लेकिन वो बात बहुत ज्यादा भूख मार कर निकल गया।